नमस्कार, लखनऊ सिटी लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी के गोमती नगर स्थित रणवीर होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए मित्र सेवा संस्थान के मुख्य प्रबंध निदेशक प्रेम सिंह आज़ाद ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1,00,000 से अधिक लघु उद्यमियों, महिलाओं एवं किसानों को मित्र सेवा संस्थान अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक मदद देगा। मेरा नाम प्रेम सिंह आज़ाद है, मैं मित्र सेवा प्राइवेट लिमिटेड का MD हूं, जो सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इस समय किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या आपको जागरूकता है आप लोग कर रहे हैं? सही आपने कहा कि इस समय हम लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को रोजगार देने का कार्यक्रम चला रहे हैं। जो लोग भी इस समय कोरोना की वजह से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए हम लोग स्वरोजगार का इंतजाम करते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर और कुछ रोज़गार कर सकें और 40 से 50 हज़ार रुपये उनकी इनकम हो सके। इसके साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको भी सशक्तिकरण करने का हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं कि उनके पास हुनर है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो पाता है, वो सिर्फ चूल्हे चौके में रह जाती हैं, तो उस चूल्हे चौके से हटा के उनको जो उनके अंदर हुनर है उस हुनर को और तराशना और उसके हिसाब से उनको काम देना और ताकि उनकी कुछ एडिशनल इनकम हो। अगर एक महिला काम करती है या रोज़गार उसको हम देते हैं तो वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, अगर एक पुरुष है तो वो सिर्फ अपना ध्यान रखता है, लेकिन अगर हम महिला को रोज़गार दे रहे हैं तो वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है। इसलिए हम लोगों का महिलाओं पर फोकस ज़्यादा है और कृषि आधारित भी कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं ताकि लोगों को जो किसान हैं हमारे उनको जो प्रॉपर सीड है या फर्टिलाइज़र है वो उनको आसानी से उपलब्ध हो सके और जो वो प्रोड्यूस आते हैं उनका जो उत्पाद है उसके लिए जो है मार्केट प्रोवाइड करना, उनके उत्पाद को जो है बिकवाने की व्यवस्था कराना, ये सब भी जो है हम लोग मित्र सेवा के माध्यम से कर रहे हैं। किस तरह के रोजगार दे रहे हैं आप लोग, किस क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की? हमारे पास जो है वो बैंकिंग से संबंधित भी है कि जो बैंकिंग का काम कर सकते हैं, मतलब अकाउंट खोलना, पैसा जमा करना, पैसा विड्रॉल करना, इसके बाद बीमा का काम करना, अमेजन से रिलेटेड काम करना, कुरियर का काम करना, मतलब डिफरेंट जगह से हमने टाई अप किया है और ये सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे पास से उपलब्ध हैं। वो जितना काम करेगा उसको उतने हिसाब से उसमें उसके लिए जो है मानदेय मिलेगा। किस तरह से लोग आपके यहाँ पहुँचते हैं, क्या उनका पहले पंजीकरण किया जाता है या कुछ? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि आजकल तादाद जो हमारे युवा हैं वो पढ़े लिखे तो हैं बेचारे, लेकिन उनके पास जो है माध्यम नहीं अवेलेबल है, तो हम लोग उनको माध्यम प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी इंटरमीडिएट पास है, कम से कम जो हमारे पास आना चाहिए वो कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और 18 साल से 45 साल की एज ग्रुप का होना चाहिए, तो उसको हम लोग जो है अपने पास से डिफरेंट तरीके की सर्विसेज उसको प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग उनको मानदेय मिलता है और उस वो मानदेय इस तरीके का होता है कि अगर वो ट्रेनिंग भी आप लोग कराते हैं जो लोग आते हैं नए लोग? हाँ बिल्कुल, वो तो शुरुआती इसी से होती है, जैसे ही उनको हमने नियुक्त किया वो हमारे साथ आगे जुड़े, रजिस्ट्रेशन हुआ और सारी चीज़ योग्यता KYC वगैरह हमने चेक कर लिया। KYC चेक करने के बाद पहला काम होता है उनको जितनी भी सर्विसेज हैं, अभी हम लोगों ने जो है एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जो लोगों को रोज़गार जो दे रहे हैं, इसके साथ ही वेल्थ मैनेजमेंट का काम है। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब कि लोगों के पास पैसा है, लोग अपने पैसा घरों में रखते हैं या जो जमा भी करते हैं तो वो जो उस पर उनको ब्याज मिल रहा है या जो उसमें फ़ायदे मिल रहे हैं वो महंगाई दर से कम है, इसका मतलब कि वास्तव में उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम उनको ये माध्यम प्रोवाइड कर रहे हैं कि कम से कम उनकी इनकम 8 से 10% हो और नियमता हो। जो PFRDA की स्कीमें हैं, चाहे वो नेशनल पेंशन स्कीम हो, चाहे वो SIP हो, चाहे हम अगर कोई आदमी टैक्स फाइल करना चाहता तो हम फ्री टैक्स फाइल करने की सुविधा दे रहे हैं ताकि किसी तरह से उनको परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा कोई अगर रोज़गार में आदमी है और वो नौकरी कर रहा है और अगर उसको अचानक किसी पैसे की ज़रूरत हो तो वो भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं ताकि उसको कहीं भी पैसे की उसको दिक्कत ना हो। और इसके अलावा आजकल गोल्ड खरीदने का वो है कि लोग गोल्ड खरीदते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें जो है उसको रखें, घर में रखने में दिक्कत है, बैंक में रखें तो लॉकर में पैसा लगेगा, तो हम लोग ये उनके लिए सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड वो खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का मतलब जैसे आपके अकाउंट में पैसा होता है उसी तरीके से वो गोल्ड का बैलेंस रहेगा कि हाँ 10 तोला, 20 तोला,
या 10 ग्राम 20 ग्राम इस तरह से रहेगा, और उसमें ना कोई चोरी का डर है, ना बैंक में रखने की ज़रूरत है। जब बिटिया की शादी है या किसी काम के लिए ज़रूरत है तो आप उसको सेल कर, मतलब उसको सेल करके और अपना फिजिकल वो काम कर सकते हैं।